So in this session, we have to do the analysis of rate or rate analysis for the brickwork. So one by one, we will discuss about that. So first of all, we have to assume the total volume of brickwork. Assuming 10 cubic meter volume of brickwork for the construction, and size of brick is 19 centimeter by 9 centimeter by 9 centimeter, जो भी स्टैंडर्ड साइज है तो वो अज्यूम कर रहे हैं. सो देयर फॉर साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर इज 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर. मतलब क्या किया है, जो भी अभी साइज ऑफ ब्रिक कितना है 19 by 9 by 9 है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्या किया है, जो भी मॉर्टर है तो वो 1 सेंटीमीटर का लेयर लिया है. तो ब्रिक का साइज विथ मॉर्टर कितना आएगा फिर 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक. सो नंबर ऑफ ब्रिक हाउ टू कैलकुलेट, वी नो द टोटल वॉल्यूम, वी नो द साइज ऑफ ब्रिक, जस्ट डिवाइड द टोटल वॉल्यूम बाय साइज ऑफ ब्रिक. सो नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम दैट इज 10 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर. तो कितना आता है वो देखिए. यस, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 5000. नाउ मॉर्टर रिक्वायर्ड पर 10 क्यूबिक मीटर. अभी ये है आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसके बाद निकालना है आपको मॉर्टर रिक्वायर्ड. विच इज इक्वल टू 10 माइनस नंबर ऑफ ब्रिक कितने आए हैं आपके 5000. नंबर ऑफ ब्रिक 5000 आए हैं, तो 5000 इंटू एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक दैट इज 0.19 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09 विल गेट द वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर विच इज इक्वल टू 2.305 क्यूबिक मीटर. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर. आफ्टर दैट जस्ट ड्यू टू द फ्रॉक फिलिंग ब्रिक बॉन्डिंग कोर्सेस एंड वेस्टेज एटसेट्रा इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 15%. तो जो मॉर्टर का वॉल्यूम आया है उसको 15% क्या करना है, इंक्रीज करना है. क्यों करना है, जो भी फ्रॉक फिलिंग के लिए एक्स्ट्रा मॉर्टर लगेगा या जो बॉन्डिंग के लिए कोर्सेस है और जो वेस्टेजेस है, तो उसके लिए क्या करना है आपको 15% इंक्रीज करना है. सो इट विल बी यस. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेट मॉर्टर इज इक्वल टू जो भी आपका टोटल मॉर्टर का वॉल्यूम आया है 2.305 प्लस 2.305 इंटू 0.15, मतलब 15% लिया है, तो वो आता है आपका 2.65 क्यूबिक मीटर 15% इंक्रीज करने के बाद. नाउ टू गेट द मटेरियल्स इन ड्राई कंडीशन. अभी ये क्या है, वेट वॉल्यूम है मॉर्टर का, दिस इज द वेट वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर. सो टू गेट द मटेरियल्स इन ड्राई कंडीशन इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 30 to 35%. तो फिर से यहां पे क्या करना है, अभी ये है टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर, अभी वेट है तो वेट को ड्राई कंडीशन में लाना है, तो श्रिंकेज होता है ना, जब आप वाटर ऐड करते हो तो श्रिंकेज होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है, तो वो रिड्यूस हुआ जो वॉल्यूम है तो उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको,
30-35% आपको फिर से ऐड करना है। सो द वॉल्यूम आफ्टर एडिंग 30-35% विच इज इक्वल टू 3.511 क्यूबिक मीटर। सो इन केस ऑफ लाइम वाटर द अबव क्वांटिटी दैट इज 3.511 क्यूबिक मीटर रीचेस अप टू 4 क्यूबिक मीटर। सच इंक्रीज मे बी जस्टिफाइड कंसिडरिंग द वॉइड्स इन द सुर्खी इज मोर, जॉइंट्स आर जनरली थिकर एंड एडिशनली लेस केयर इज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द वेस्टेज। आफ्टर दैट दिस इज द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ फॉर 10 क्यूबिक मीटर। सो वी रिक्वायर्ड हेड मेसन हाफ फॉर 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मेसन 8 नंबर्स, नंबर ऑफ मजदूर 14 नंबर्स एंड नंबर ऑफ वेस्टी 2। तो ये ब्रिक वर्क कहां से कहां तक है? फाउंडेशन से लेके प्लिंथ तक है, मतलब जैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो फाउंडेशन करते थे तो वहां पे अगर ब्रिक वर्क प्रोवाइड किया है तो वो केस में फाउंडेशन में जो स्टेप फुटिंग करते हैं ना, वो स्टेप किस के बनते हैं? ब्रिक के बनते हैं अप टू प्लिंथ। तो वो केस में हमें दिस इज द लेबर रिक्वायर्ड फॉर दैट ब्रिक वर्क। उसके बाद अभी ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट फ्लोर है या सेकेंड फ्लोर है, उसके लिए हम देखते हैं। सो सी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर एट ग्राउंड फ्लोर फॉर द 10 क्यूबिक मीटर। अगर ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिक का, तो वो केस में आपको कितने लेबर लगेंगे? तो सी वी रिक्वायर्ड हेड मेसन हाफ फॉर 10 क्यूबिक मीटर, 8 नंबर्स ऑफ मेसन, 15 नंबर्स ऑफ मजदूर एंड 2 नंबर्स ऑफ बेस्टी। एंड थर्ड वन, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फॉर फर्स्ट फ्लोर। अभी ये कौन सा था? ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन था ब्रिक का। उसके बाद है फर्स्ट फ्लोर का आपको ब्रिक वर्क करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फॉर फर्स्ट फ्लोर। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, द रेट ऑफ ग्राउंड फ्लोर प्लस 1% फॉर ईच एडिशन फ्लोर एवरेज 3 मीटर हाइट एज एक्स्ट्रा ओवर, मतलब 8% आपको ऐड करना है जैसे जैसे फ्लोर इंक्रीज होता है ना। अभी ग्राउंड के लिए कितने हैं? हाफ हेड मेसन, 8 मेसन, 15 मजदूर एंड 2 वेस्टीज। तो जैसे जैसे एक एक फ्लोर इंक्रीज होता है तो 1% क्या करना है? बढ़ाना है आपको क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है 1% में आपको इंक्रीज करना है। तो देखिए फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना है? हेड मेसन हाफ, मेसन 1, मजदूर 18, भिस्टी 2। तो मेजर यहां पे मेसन और मजदूर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू डू द रेट एनालिसिस फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मॉर्टर 1:4 इन सुपरस्ट्रक्चर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कैरी आउट द रेट एनालिसिस फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मॉर्टर 1:4 इन सुपरस्ट्रक्चर। सो फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू अज्यूम द 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द साइज ऑफ ब्रिक इज 19 cm by 9 cm by 9 cm। Therefore, साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर इज इक्वल टू 20 by 10 by 10 cm, मतलब 1 cm हमने इंक्रीज किया। तो साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर कितना आएगा? 20 by 10 by 10 cm। तो इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर।
सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना अज्यूम किया है 10 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय साइज ऑफ ब्रिक विद मॉर्टर विच इज इक्वल टू 5000. नाउ मॉर्टर रिक्वायर्ड पर 10 क्यूबिक मीटर. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो मॉर्टर रिक्वायर्ड है 10 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सी दिस इज द टोटल वॉल्यूम, 10 क्यूबिक मीटर इज द टोटल वॉल्यूम, तो उसमें से हमें क्या करना है, ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो डिडक्ट करना है. तो ब्रिक की एक्चुअल साइज क्या है, 19 by 9 by 9. नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं, 5000. तो इसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल ब्रिक से, नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई किया और टोटल वॉल्यूम में से डिडक्ट किया, तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर मिल जाएगा. इट इज इक्वल टू 2.305 क्यूबिक मीटर. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर. ड्यू टू द फ्रॉग फिलिंग्स, ब्रिक बॉन्डिंग कोर्सेस एंड वेस्टेज एटसेट्रा, इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 15%. जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर आया था 2.305 क्यूबिक मीटर, तो उसको क्या करना है, 15% इंक्रीज करना है. क्यों करना है, जो भी फ्रॉग फिलिंग है या बॉन्डिंग कोर्स है या वेस्टेज मिला के आपको 15% उसमें एडिशनल क्वांटिटी लेना है, तो वो आता है आपका. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेट मॉर्टर इज इक्वल टू 2.305 प्लस 2.305 इंटू 0.15, मतलब 15% इंक्रीज किया. सो विच गिव्स द वॉल्यूम ऑफ वेट मॉर्टर इज इक्वल टू 2.65 क्यूबिक मीटर. टू गेट द मटेरियल्स इन ड्राई कंडीशन, इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय 30 to 35%. दैट इज एवरेज ऑफ दिस इज 32.5%, विच इज इक्वल टू 2.65 प्लस 2.65 इंटू 3.511 क्यूबिक मीटर. दिस इज द ड्राई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. नाउ कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, दैट इज द टोटल वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट. सो दिस इज द क्वांटिटी फॉर सीमेंट, 0.7022 क्यूबिक मीटर, 7022. नाउ हियर कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स. तो टोटल वॉल्यूम कितना आया आपका, 0.7022 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग 0.035, 20.06, 21 करा, ठीक है. नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 21 बैग्स. कैलकुलेट द क्वांटिटी फॉर सैंड, विच इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर 3.511 डिवाइड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन 1+5 इनटू पार्ट ऑफ सैंड 2.808 क्यूबिक मीटर. दिस इज द क्वांटिटी फॉर सैंड. After that, labor required for the first class brickwork in superstructure for ground floor. कितने numbers of labor लगेंगे? We have to required half head mason, 8 numbers of mason, 15 numbers of mazdoor and 2 numbers of besti for the ground floor construction of brickwork. Particulars. उसके बाद क्या है?
quantity unit rate and amount. तो उसमें सबसे पहले आपका मटेरियल, मटेरियल्स में है सीमेंट 21 बैग्स, क्वांटिटी कितना है 21, यूनिट क्या है उसका बैग्स, रेट क्या है 300 पर बैग। ये वैरी हो सकता है 300, 350 या 400 तक जा सकता है। 6,300 रुपीस। आफ्टर दैट सैंड कितना आया था क्वांटिटी सैंड का 2.808 यूनिट इज क्यूबिक मीटर। व्हाट इज द रेट फॉर सैंड 1781 फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ओके 5001.04। आफ्टर दैट ब्रिक्स 5000 इज द क्वांटिटी, यूनिट इज नॉज। व्हाट इज द रेट फॉर ब्रिक्स 9 रुपीज, 9 रुपीज पर ब्रिक। सो आई विल राइट हियर 9 रुपीज पर ब्रिक, 45,000 जस्ट डू द सम ऑफ दिस 56,000। सो दिस इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल्स ओनली, दैट इज सीमेंट सैंड एंड ब्रिक्स। इसके बाद है लेबर्स। सो टेल मी द लेबर्स रिक्वायर्ड, हेड मेसन, क्वांटिटी इज हाफ, यूनिट इज नॉज। व्हाट इज द रेट ऑफ हेड मेसन 677 338.5। आफ्टर दैट मेसन 8 नंबर्स नॉज। व्हाट इज द रेट 5 to 7। व्हाट इज द अमाउंट 4,216। आफ्टर दैट मजदूर 15 नंबर्स हो। रेट इज 450 पर नॉज, 6,750। एंड लास्ट वन इज बेस्टी, 2 नंबर्स ऑफ बेस्टी 12,000.5।
So this is the amount which is required for the labor. So I will add here 5% overhead and water charges. Which is equal to A plus B So this is the 5% for overhead charges and water charges. After that you can add the 10% contractor's profit. Contractor's profit, which is equal to 6840 5.5 into 6840 6840.5. So total amount is equal to 68405 plus 5% 3420 plus contractor's profit 78,666.23. So this is the total amount. So we have to calculate rate per cubic meter, which is equal to 78 divided by 10. This is the amount or rate per cubic meter for construction of brickwork.